पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, वनडे क्रिकेट का बनाया अपना सर्वाधिक स्कोर, रचिन रविंद्र ने जड़ा तूफानी शतक। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 401 रनों का लक्ष्य बनाया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने शानदार शतक की पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 94 गेंदों पर 108 रन बनाए। पाकिस्तान की इस तरह की शर्मनाक भरी गेंदबाजी को देखकर पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज हैरान रह गए। ऐसे में वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह डाला कि बाबर आजम की कप्तानी से हम पूरी तरह हैरान हैं, आखिर बाबर आजम इस तरह की घटिया कप्तानी कर कैसे रहे हैं। रचिन रविंद्र ने 94 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 79 गेंदों पर 95 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 2 छक्के जड़े। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। वहीं न्यूजीलैंड के वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड साल 2008 में आयरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 2 विकेट पर 402 रनों का स्कोर बनाया था। आज पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 401 रनों का लक्ष्य बनाया, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ साल 2015 में विकेट पर 398 रनों का स्कोर बनाया था। इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही। ओपनर रचिन रविंदर और डेवन कॉर्वे ने पहले विकेट के लिए 10.5 ओवर में 68 रन जोड़े। डेवन कॉर्वे 39 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद रचिन रविंदर और केन विलियमसन के बीच 180 रनों की साझेदारी हुई। केन विलियमसन ने 79 गेंदों पर 95 रनों का योगदान दिया। इसके बाद डैनियल मिचेल ने 18 गेंदों पर 29 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंदों पर 41 रनों की अहम पारी खेली। वहीं मिशेल सेंटर ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऐसे में पाकिस्तान के सभी क्रिकेट दिग्गज पाकिस्तान की शर्मनाक भरी गेंदबाजी को देखकर पूरी तरह हैरान है। अब देखना यह होगा कि दूसरी पारी में पाकिस्तान कितना टीम स्कोर कर पाती है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए अपने आप को रेस में रख पाती है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।